चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के बायोलॉजी के ये पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखो वो सबसे पहले पर्यावरण किसे कहते हैं, धरती और आकाश के बीच वाला जो भाग है ये सब तो पर्यावरण है ना, ये वायुमंडल, ये पर्यावरण, ठीक है ना। पर्यावरण तो आप जानते ही है। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछता है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत जो मालूम है कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में। वायुमंडल के ऊपरी परत होती है ना, उसी में पाया जाता है ओजोन परत। देखो वो ओजोन परत, देखो ओजोन परत क्या है, ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है। हम लोगों में एक बीमारी होता है सूखा रोग, पराबैंगनी किरण जब ज्यादा मात्रा में पड़ेगी ना हमारे शरीर पर तो सूखा रोग होगा, त्वचा कैंसर होगा, ये सब बीमारी होती है। तो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम कौन करता है, वो बचाने का काम करता है ओजोन परत। इस ओजोन परत को खत्म करने के लिए, इसको छेद करने के लिए दो गैस उत्तरदायी होता है, CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं और दूसरा होता है मीथेन CH4। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो दोनों मारना है, अगर एक को दिया है CFC चाहे एक को दिया है CH4 तो उसी में से एक को टच करना है। ओजोन परत को छिद्र करने में सबसे अहम भूमिका किसका होता है, CFC का, CH4 का, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है। किसके अधिकता के कारण अम्ल वर्षाएं होती है, और सबसे ज्यादा वर्षाएं होती है, चाहे आजकल अम्ल वर्षा हो रही है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्लोबल वार्मिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, पृथ्वी के लिए चेतावनी है कि सुधर जाओ, जैसे कोरोना है ये मनुष्य के लिए चेतावनी था। और सही है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक अम्ल वर्षा होने के लिए कौन चेतावनी है, वो मतलब किसके कारण से अधिक वर्षाएं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और देखो मनुष्य जो होता है ना वो सर्वाहारी में आता है, क्योंकि मनुष्य हरे पौधे, हरे साग सब्जी भी खाता है और जानवर भी खाता है, भाई मांस मछली तो खाई भी करता है ना, तो मनुष्य सर्वाहारी में आता है। देखो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिएगा। डेंगू, देखो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं ये तो सब कोई जानता है। डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, ये सब बीमारी जो उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो गंदा जल में ही उत्पन्न होता है, डेंगू चाहे मलेरिया वाला, ठीक है ना। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, गंदा जल में, किस तरह के जल में, गंदा जल में। अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होती है। तो पहले ही मैं आपको समझा दे, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होता है, उसका नाम होता है CFC और CH4। मतलब CFC कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, ये दो तरह के गैस जो होती है ना उत्तरदायी होती है ओजोन परत को छिद्र करने के लिए। अगर ओजोन परत छिद्र हो जाएगी तो वहां से पराबैंगनी किरणें धरती पर डायरेक्ट पड़ेगी और तरह तरह के जीवाणु बैक्टीरिया कवक वोक लेकर उतरेगी, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होगा और त्वचा कैंसर हमारे शरीर में हो जाएगी, सूखा रोग हो जाएगी, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणों की वजह से ही ज्यादा मात्रा में विटामिन डी उत्पन्न होती है, समझ में आ रही है। देखो तो हमने यहां पर थे कि कौन सी गैस ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है, तो CFC और CH4, याद रखिएगा। आगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, जो हम लोग का वातावरण है इस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होती है, एक दिशी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है, याद रखिए एक दिशी होती है, मतलब एक दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है, अभी बताया ना अधिक अम्ल वर्षा चाहे ग्लोबल वार्मिंग, इसका सबसे बड़ा उत्तरदायी कौन है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अब आपको बताना है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो बाबू देखो चिपको आंदोलन जो है ना वो वन संरक्षण से संबंधित है। आज चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, वो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन क्या था, यहाँ पर महिलाएं जो थी ना पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जा रही थी और बोल रही थी कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, मतलब पेड़ों की सुरक्षा के लिए महिलाएं जान दे रही थी, इसी कारण से इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। इसका नेतृत्व फैलाया गया किनके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, मतलब किया गया था नेतृत्व। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत मेन क्या होता है। देखो हमारे जीव मंडल में हमारे पृथ्वी में या पारिस्थितिक तंत्र में सभी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य प्रकाश है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा एनर्जी प्राप्त ज्यादा मात्रा में होती है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य प्रकाश है, सूर्य की किरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, तो वो तो पराबैंगनी किरण से सुरक्षा करता है। ओजोन परत नहीं रहेगी तो पराबैंगनी किरण डायरेक्ट धरती पर पड़ जाएंगे, जो हम लोग के लिए हानिकारक होता है। तो बोला कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो कौन सा किरण से, कौन सा विकिरण से रक्षा करता है,
तो वो है पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मृत शरीर को पचाने वाला जीव क्या कहलाता है? या देखिएगा, जो मृत शरीर को खाता है उसको अपघटक, हम अपघटक कहते हैं। जैसे गाय देखिए कई जगह काट के फेंक दी जाती है, भैंस मर जाता है, तो चिलवा सब क्या है उसको नोच नोच को खा जाता है। तो चिलवा क्या है? तो वो अपघटक हो गया। कुत्ता सियार खाया था उसके लिए क्या हो गया? अपघटक हो गया। ठीक है ना, तो मृत शरीर को पचाने वाला जो जीव होता है ना उसको हम लोग अपघटक कहते हैं। जो मृत शरीर को, मतलब जो मरे हुए शरीर को खाए उसे क्या कहेंगे? अपघटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? या देखिएगा, ओजोन परत जो होता है ना, इसके अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन परत का सूत्र O3, इसको हम लोग ओजोन कहते हैं। ठीक है ना, ओजोन परत इसको कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु है? 3 अणु है। ओजोन परत यही सूत्र होता है ओजोन का। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन में या ओजोन परत में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। याद रखने वाली बात है, कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। कहां पर है ये आपका क्लियर हो गया। आगे सीएफसी का पूरा नाम, तो स्टार्टिंग में बताया था क्लोरो फ्लोरो कार्बन, सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, सॉरी सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। हाई सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन, तो सीएफसी का पूरा नाम हो जाएगा आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? अगर पराबैंगनी किरण अगर पड़ रही है धरती पर, तो इसका मतलब मनुष्य में जानते हैं कौन सा रोग होगा? या तो सूखा रोग आने, तो सबसे खतरनाक त्वचा कैंसर होगा। ठीक है ना, तो बोला है क्वेश्चन की पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है, त्वचा में ही कैंसर हो जाएगा, त्वचा पूरी तरह से खराब हो जाएगा। अगर देखिए, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? जो पेड़ पौधे खाते हैं, पादप का मतलब पेड़ पौधे, तो जो पेड़ पौधे खाते हैं वैसे जीव को क्या कहते हैं हम लोग? शाकाहारी कहते हैं। तो जो पादप को खाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर आपका पढ़ता हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका विस्तार से क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।